नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल चूल्हा में आप सभी का स्वागत है। आज हम बहुत ही आसान तरीके से बिना दूध को फटाए हुए रिपब्लिक डे स्पेशल रसगुल्ला बनाने जा रहे हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। रसगुल्ला बनाने के लिए हमें सामग्री चाहिए, चीनी, पनीर, फूड कलर, अरारोट। तो चलिए रसगुल्ला बनाना शुरू करते हैं। रसगुल्ला बनाने के लिए सबसे पहले हम पनीर लेंगे और पनीर को इस तरीके से टुकड़ों में तोड़ लेंगे और ग्राइंडर में डालते जाएंगे। मैं यहाँ पे आधा किलो पनीर का उपयोग कर रही हूँ। अब इस पनीर को पीस कर पेस्ट तैयार करेंगे। अब हमने पनीर को बिल्कुल चिकना होते तक पीस लिया है। मैं आपको दिखाती हूँ इस तरीके से, आप देख सकते हैं इस तरह बिल्कुल चिकना है हमारा पनीर। चलिए अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। चलिए अब हम पनीर को प्लेट में निकालेंगे। अब हम इस पनीर में 2 चम्मच अरारोट डालेंगे। आपके पास अगर अरारोट नहीं है तो आप मैदा भी डाल सकते हैं। अब हम पनीर को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, बिल्कुल चिकना डो तैयार करेंगे। हमारे पनीर को मसलते हुए 5 मिनट हो चुका है। हमने इस तरीके से मसलते हुए बिल्कुल चिकना कर लिया है। चलिए अब हम इस छेने का 3 हिस्सा करेंगे। मैं यहाँ पे 3 कलर का रसगुल्ला तैयार करने जा रही हूँ, इसलिए मैं इसे 3 भागों में बांट लूंगी। चलिए अब हम इसमें फूड कलर ऐड करते जाएंगे। चलिए अब हम इसमें इसको इस तरीके से हाथ से थोड़ा सा फैला लेंगे और फूड कलर डालेंगे। आप रसगुल्ला को बिना फूड कलर का भी बना सकते हैं और इस तरीके से फूड कलर डालते हुए मिक्स करते जाएंगे। थोड़ा सा फूड कलर डालते हुए बिल्कुल हरा कलर होते तक मिक्स कर लेना है। अब हमने ग्रीन कलर को इसमें अच्छे तरीके से मिक्स कर लिए हैं। चलिए अब हम ऑरेंज कलर को भी मिक्स कर लेंगे। चलिए अब हम इस वाले छेने में ऑरेंज कलर मिक्स करेंगे। तरीके से फूड कलर को थोड़ा सा डालते हुए मिक्स कर लेंगे। अब हमने इसमें ऑरेंज कलर मिक्स करके पूरी तरीके से तैयार कर लिया है। चलिए अब हम इसे छोटा छोटा हिस्सा तोड़ते जाएंगे। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा हिस्सा तोड़ के इसे गोल गोल कर लेंगे। चलिए अब हम इसका एक पीस उठाएंगे, इस तरीके से गोल करते जाएंगे। सारे लोई को गोल करते हुए बना लेंगे। चलिए अब हम इस वाले पनीर को इस तरीके से थोड़ा थोड़ा हिस्सा तोड़ लेंगे। अब हम इसमें से एक एक हिस्सा उठा के इस तरीके से फिर से गोल करेंगे। इसी तरीके से सारे पनीर को इस तरीके से गोल करते हुए रसगुल्ला तैयार करेंगे। चलिए अब हम ग्रीन कलर के पनीर से को भी इस तरीके से थोड़ा थोड़ा हिस्सा तोड़ लेंगे और इसको भी गोल करके रसगुल्ला तैयार करेंगे। आप एक एक हिस्सा को उठाते हुए इस तरीके से गोल करते हुए इस रसगुल्ला तैयार करेंगे। इस तरीके से गोल करते जाएंगे। अब हमने सारे छेने को इस तरीके से गोल करके रेडी कर लिया है। चलिए अब हम इसे चाशनी में डाल के पका लेते हैं। चलिए अब हम चाशनी बनाना शुरू करेंगे। मैं इस साइज के कटोरी में 2 कटोरी चीनी लूंगी और ठीक उसी कटोरी में 3 कटोरी पानी डालेंगे। चलिए अब हम यहाँ पे गैस ऑन कर लेते हैं। चलिए अब हम इसे इस तरीके से बिल्कुल थोड़े टाइम के लिए चला लेते हैं। चीनी के घोलने के बाद हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। इसके तुरंत बाद हम छेने के बॉल्स को इसमें पकाएंगे। अब हमारा चीनी है पूरी तरीके से घुल चुका है। हमें चाशनी को 1 तारी या 2 तारी वाली चाशनी नहीं बनानी है। चीनी के घुलने के बाद हमें इसे 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरीके से फुल फ्लेम में पका लेना है। अब हम सारे बॉल्स को एक एक करके इस तरीके से चाशनी में डालते जाएंगे। अब हम रसगुल्ले को ढक के 15 से 20 मिनट के लिए पकाएंगे और बीच बीच में चेक करते जाएंगे। अब हमारे रसगुल्ले को पकते हुए 3 मिनट हो चुका है। चलिए अब हम इसे थोड़ा सा चला लेंगे। इस तरीके से रसगुल्ले को हल्का सा चलाएंगे और आप देख सकते हैं चाशनी थोड़ा गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे। पानी को इस तरीके से घुमाते हुए डालेंगे, उबाल आने देंगे। उसके बाद हम फिर पानी डालेंगे इस तरीके से घुमाते हुए, फिर उबाल आने देंगे। इसका तापमान हमें बिल्कुल भी कम नहीं करना है। इस तरीके से पानी को उबाल आने के बाद ही डालना है। चलिए अब हम इसे ढक के 15 से 20 मिनट के लिए पकाएंगे। अब आप देख सकते हैं हमारे रसगुल्ले को पकते हुए 20 मिनट हो चुका है। चलिए अब हम गैस को बंद कर लेते हैं, ऐसे बाउल में निकालेंगे। अब हमारा रसगुल्ला है बन के पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और कमेंट करके जरूर बताइए।